Welcome. What we're going to do today is look at how to do peer assessment as mentors and how to give evaluation for your candidates, right? So I'm going to share the screen and we're going to look at how aap kaise apne mentees ko evaluation de sakte hain. Ye primarily unit 2 pe hai, lekin aadharit, lekin aap jab course mein jayenge, aap shamil honge, आपको www.tisx.tis.edu में जाना है, अपना कोर्स देखना है और आप देखेंगे कि अभी आपके पास कुछ और सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि आप कोर्स में देख सकते हैं और आप कोर्स में जाके यू विल बी एबल टू एक्चुअली लॉग इन एज स्टाफ, राइट? तो आप मेंटर्स हैं, इसीलिए आपको ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है. यू हैव बीन अलाउड टू डू दिस बिकॉज यू आर मेंटर्स. और द वे दैट यू लुक एट इट इज यू गो टू कोर्स एंड मेंटीज को आपको कहाँ पे असेसमेंट करना है. यू हैव टू गो टू कोर्स एंड इन यूनिट टू, प्राइमरली इन यूनिट टू, अगर आप सेशन 5 देखेंगे तो प्रैक्टिस बेस्ड असाइनमेंट जहाँ पे पीयर असेसमेंट होता है, जो आपने पहले भी किया हुआ है अपने कोर्स में, देयर यू हैव टू गो एंड यू हैव टू स्क्रॉल डाउन. आपको नीचे देखना है कि यहाँ पे इस यूनिट में सेशन 5, यूनिट 2 सेशन 5 में आपके असाइनमेंट है और असाइनमेंट के कुछ रूब्रिक्स भी दी गई हैं एंड यू विल हैव टू बी एबल टू लुक एट दीज रूब्रिक्स एंड यू गो डाउन. इसमें आपने तो असाइनमेंट देना नहीं है बिकॉज यू हैव नॉट रियली डन एन असाइनमेंट. व्हाट यू कुड डू इज गो एंड मैनेज इंडिविजुअल लर्नर्स, राइट? तो आप कोई भी एक इंडिविजुअल लर्नर को ले सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या उन्होंने कोई असाइनमेंट दी है, राइट? वेदर दे हैव अपलोडेड एन असाइनमेंट. तो आप इसमें सबमिट करके आप देख सकते हैं. How does this work? We will just show that and you can try and figure out. तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको यूनिट 1 में आना है, आपको यूनिट 2 में आना है, सेशन 5 में देखना है. यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे अगर असेसमेंट है, आपने कुछ किया नहीं होगा, आपको असेस नहीं करना है. आपको यहाँ पे जाके देखना है कि मैनेज इंडिविजुअल लर्नर्स. व्यू असाइनमेंट स्टेटिस्टिक्स में आपको ये दिखता है कि कितने लोगों ने असेसमेंट किया हुआ है. मतलब हमें अभी कुल मिला के 115 रिस्पॉन्सेस मिले हैं, जिसमें से 90 रिस्पॉन्सेस की पीयर असेसमेंट हो चुकी है और 23 पीयर असेसमेंट अभी भी प्रोसेस में है. ठीक है, ये इसमें से हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप ये लेफ्ट में देखें, मैनेज इंडिविजुअल लर्नर्स, इस पे अगर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली एक टैब खुलता है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर किसी बंदे ने असाइनमेंट दी है कि नहीं है. तो आपके पास आपके यू नो मेंटीज की ईमेल आईडीज रहेंगी, वो आप इसमें सबमिट कर सकते हैं. अगर ये सबमिट नहीं किए हैं तो आपको ये दिखेगा कि अ रिस्पॉन्स वॉज नॉट फाउंड फॉर द लर्नर, है ना? लेकिन अगर उन्होंने सबमिट किया है, जैसे कि मैं अभी ईमेल आईडी नहीं दूंगी क्योंकि ये वीडियो पे जा रहा है, आई विल पुट इन द यूजर नेम एंड होपफुली जिनका है वो आपको दिखेगा नहीं, राइट? सो अगर ये यूजर नेम या ईमेल आईडी आप सबमिट कर दें तो आपको यहाँ पे कुछ और श्रृंखलाएं दिखेंगी, जैसे कि आपको लर्नर रिस्पॉन्स दिखेगा. लर्नर रिस्पॉन्स क्या होता है कि उन्होंने क्या असाइनमेंट एक्चुअली सबमिट किया है. पीयर असेसमेंट फॉर दिस लर्नर, इसमें और लोगों ने, उनके जो सहपाठी हैं, उन्होंने क्या पॉइंट्स दिए हैं. तो अगर 5 पॉइंट्स पॉसिबल हैं तो उसमें से उन्हें इसमें इस क्रम में 3 पॉइंट्स मिले हैं या ओवरऑल फीडबैक क्या मिला है वगैरह, ये पता चलेगा. उन्होंने खुद दूसरों को क्या मार्क्स दिए हैं वो आपको पता चलेगा. इससे आपका कोई लेना देना है नहीं, यू डोंट हैव टू वर्क ऑन इट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट दीज प्रोसेसेस आर, क्योंकि ये एक्चुअली उन्होंने दूसरों का क्या लर्निंग किया है, दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. आपको वो दिखेगा भी नहीं. उन्हें क्या मिला है ये भी आपको इससे जानकारी ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन और लोगों ने इनके असाइनमेंट के बारे में क्या सोचा है ये आप जरूर पता कर पाएंगे, राइट? अगर हम देखते हैं कि पीयर असेसमेंट्स लर्नर का फाइनल ग्रेड क्या रहा, तो जैसे कि हम इनका देख रहे हैं, तो लर्नर का फाइनल ग्रेड क्या रहा, ये एक पीयर ने उन्हें मार्क्स दिए हैं और उस
में से हमें पता चल रहा है कि ज्यादातर इंटरमीडिएट में रहा है और रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस में उन्होंने ज्यादा मार्क्स नहीं पाए हैं क्योंकि उन्होंने शायद वो दिया नहीं है। इंटरमीडिएट में उन्हें रूब्रिक वगैरह उन्होंने शायद दिया है। आप जो हैं एज अ मेंटर यू विल बी एबल टू गो ऑन एंड क्लिक ऑन सबमिट असेसमेंट ग्रेड ओवरराइड। सो प्राइमरीली व्हेन यू लुक एट इट यू एंटर एन ईमेल आईडी और यू एंटर द यूजर नेम। आप ईमेल आईडी इज इनफ। यू क्लिक ऑन सबमिट। यू विल देन बी एबल टू व्यू ऑल ऑफ दिस इफ द पर्सन हैज सबमिटेड देयर रिस्पॉन्स। If they have not submitted the response, if, for instance, if I'm typing my email ID and pushing that in, you will find that this person has not submitted their response. It will say a learner response has not been found, right? It will show you that it has not been found. This was a sample and removing the file. And the final grade is that the person has been. So whatever has happened with the person will actually come through in that element, right? Now I click on someone else's assignment and I type in this element. And what you will be able to see is what the learner has responded. You will be able to see the peer assessments given for this learner, if there is one or two, they should have had two. The final grade of the learner is what is the summation? It is the culmination of दो लोगों ने दिया है उसका एवरेज निकाल के उनका फाइनल ग्रेड बनता है। इसमें उनका इन्हें एक ही ग्रेड मिला है तो देयर इज द फाइनल ग्रेड इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट पीयर रिव्यू ओनली, राइट? यू विल बी एबल टू सी व्हाट दे हैव गॉट एज अ मीडियम ग्रेड एवरेज इन बेस्ड ऑन पीयर वन एंड व्हिच इज व्हाट दे हैव गॉट एंड दे हैव द पॉइंट्स एंड द ओवरऑल इंटरमीडिएट एंड द फैक्ट दैट दे हैव मैनेज्ड टू गेट इट। What you should be looking at is submit assessment grade override. Can you see this part? You are able to look at the submit grade assessment grade override. This is what you should be clicking on. आपको submit assessment grade override पे क्लिक करना है क्योंकि आप as a mentor अपने mentee को final grade देंगे. So here you will be able to click on the lesson plan. अगर आप submit करते हैं इस पे तो आपका जो लेसन प्लान है वो खुलेगा। इट विल ओपन अप ऑन टू सम अदर पेज। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो जनरली एक पेज पे खुलेगा या कभी कभी डाउनलोड होता है। सो प्लीज सी आपके सेटिंग्स कैसे हैं। कभी कभी डाउनलोड्स में जाएगा या कभी कभी एज एन अनदर टैब इट विल ओपन अप, जैसे कि यहाँ पे एक नए टैब पे ओपन है। तो यू विल बी एबल टू सी दिस, evaluate them, look at what they have put in as reflection and be able to then mark them, है ना? आप उन्हें mark दे सकते हैं। इसमें already बताया गया है कि inadequate का मतलब है कि does not focus on experiential learning और has limited experiential learning activities and is poorly explained. तो आपको ये देखना है कि इसमें क्या experiential learning की श्रृंखला है, क्या उन्होंने कोई experiential learning के बारे में बताया है और क्या उसमें मार्क्स को आप देंगे, ओके? ये पॉइंट्स जो हैं, ये इसलिए हैं कि प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं आपको, बिकॉज अ प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी कोड्स, सो इट विल बी बेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म मार्क्स। बट आपको यहाँ पे देखना है कि क्या ये इनएडिक्वेट है, क्या आप सोचते हैं कि ये शुरुआत उन्होंने की है, कि उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश करी है, दे हैव फोकस्ड ऑन सम एक्टिविटीज ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड इन सम डिटेल, However, some parts are confusing, कुछ बहुत confused लग रहे हैं और time management, transaction activities वगैरह में problem हो रही है उन्हें, तो आप बता सकते हैं कि ये intermediate है, कि थोड़ी बहुत कोशिश की है, थोड़ा explain किया है, थोड़ा बहुत अधूरा है। And advanced is everything is explained very well and this entire lesson plan is focused on experiential learning. तो आप उसके हिसाब से आप अपने marks दे सकते हैं। फिलहाल मैं हर जगह I am going to go and click on inadequate. मैं पहले ही बता रही हूँ ताकि आप मेरे रेटिंग के हिसाब से ना बताएं। मैं without looking at what the person has given, I am just going to be marking zero. Okay? आप यहाँ पे comments दे सकते हैं कि उन्हें क्या सुधारना चाहिए। I think you could have improved on explaining what the
experiential activities will be. And how they should be transacted in the classroom, individual, pairs, group work, and how they will map to the learner's learning outcomes, you know? Maybe. मतलब मैं ये बस एक example, एक उदाहरण की तरह दे रही हूँ. आप ये हिंदी में भी लिख सकते हैं, but preferably write in English if possible. And then look at it. So similarly, you can look at inadequate for teaching learning processes, or you could talk about how they should improve. आपको क्या उसमें अच्छा लगा कि उन्होंने reflection में क्या उन्होंने अच्छा बताया, क्या उन्होंने सारी information बताई है. So in terms of it, what is the second point saying is that assess the quality of the questions and what they hope to achieve in that enabling the teaching learning process. क्या उन्होंने इसमें questions दिए हैं, कौन से subjects के साथ उन्होंने बताया है, कैसे उन्होंने कहा कि वो learners के साथ ये learning outcomes map होंगी. तो includes little information with fewer no details. Does not explore any topic, is inadequate. मतलब आपने कुछ डिटेल ही नहीं दिया. Includes थोड़ा बहुत information आपने दिया, little information that is there with the lesson plan, but there is very few details. Only one or two details are given. तो फिर beginner हुए. अगर आपने sufficient information दिया supporting details के साथ, details may not be fully explored. आपने explain विस्तार में आपने पूरा explain नहीं किया, you have not explained it adequately, but you have given some details, you have indicated कि ये कैसे हो सकता है, तो आप explore the facets में intermediate mark कर सकते हैं. It includes in-depth information and supporting questions that are fully developed in order to make the learner understand and the teacher understand कि अगली श्रृंखला में कैसे किया जाए. तो फिर यहाँ पे आप advanced कर सकते हैं. मतलब आपको ये lesson plan देख के कोई और भी ये lesson plan पढ़ के they should be able to execute the lesson plan. वो उन्हें समझ में आना चाहिए कि मुझे class में कैसे पढ़ाना है, ये क्या करना है. They should be able to understand it. That is what the second topic is. The first one was कि आपने topic, objectives, clear instructions वगैरह दिए कि नहीं. Overall आपने कैसा वो आपको lesson plan लगा. इसमें है कि आपके details कैसे हैं. क्या आप ये lesson plan पढ़ के दूसरे क्लास कोई और टीचर दूसरी कक्षा में जाके इस तरह का लेसन प्लान यूज कर सकता है. दैट इज व्हाट द सेकंड वन इज. देन द थर्ड वन इज असेस द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड इन टर्म्स ऑफ चेक इफ दे हैव गिवन सैंपल आंसर्स और बाय स्टूडेंट्स और टीचर्स कि रिफ्लेक्शन की अपॉर्चुनिटी उन्होंने वहां पे कितनी दी है, कि स्टूडेंट्स के लिए क्या रिफ्लेक्शन की अपॉर्चुनिटीज रही हैं. जैसे कि आपने यूनिट वन एंड यूनिट टू के कुछ वीडियोस में देखा कि स्टूडेंट से पूछा जा रहा था हाउ विल यू लर्न, व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट वाज द प्रोसेस, एंड टीचर से भी रिफ्लेक्शन पूछा जा रहा था कि हाउ वुड यू इफ यू वेर डूइंग इट अगेन, आप कैसे चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, क्या ये रिफ्लेक्शन की अपॉर्चुनिटीज उस लेसन प्लान में है, क्या बच्चों को ये ज्ञात कराया जा रहा है. आर वी मेकिंग स्टूडेंट्स अवेयर दैट दे आर लर्निंग, व्हाट आर दे लर्निंग एंड हाउ आर दे लर्निंग, क्या इसके कोई स्कोप है इस लेसन प्लान में. ये इस लेसन प्लान का थर्ड ऑब्जेक्टिव है. तो आपको बताना है कि क्या ये इनएडिक्वेट, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडिक्वेट में आया कि नहीं. एंड द फोर्थ वन इज अ रूब्रिक फॉर असेसमेंट विद मेजरेबल मेट्रिक्स, यानी कि क्या उन्होंने कोई भी ऐसा असेसमेंट उनमें प्लान है. इसमें हम ज्यादा चर्चा यूनिट थ्री में करेंगे, लेकिन फिलहाल भी क्या उन्होंने किसी भी लेवल पे असेसमेंट के बारे में सोचा है, क्या उन्होंने ये देखा है कि असेसमेंट लर्निंग आउटकम्स के साथ, सब्जेक्ट मैपिंग के साथ होनी चाहिए थी. जैसे कि अगर आपने वो टी वाली असाइनमेंट में देखी जो एग्जाम्पल बताया गया, तो उसमें ये बताया गया कि आप कौन से कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कैसे सीखेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ, क्या ये सब इसमें विस्तार में एक्सप्लेन किया है.
तो आप यहाँ पे अगर दिया ही नहीं है तो इनएडिक्वेट, थोड़ा बहुत दिया है, पॉइंट्स बताए हैं तो इंटरमीडिएट बिगिनर, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है तो इंटरमीडिएट, और बहुत ही अच्छे से दिया है तो एडवांस्ड। तो आपको ये कमेंट्स देने हैं, और ओवरऑल आप कमेंट्स दे सकते हैं कि वो कैसे इम्प्रूव करें यूनिट 3 में जाने के लिए। आपको ये याद रखना है कि यूनिट 3 में, जैसे अगर आप यहाँ पे सब कुछ, अगर मैं यहाँ पे फॉर इंस्टेंस यू नो इफ आई पुट दिस इन एज यू नो फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे कर दूं कि ये सब इंटरमीडिएट के लेवल पे हैं या किसी और लेवल पे हैं, अगर मैं ये कर दूं, जब तक मैं ये नहीं करती तब तक मेरा ये सबमिट असेसमेंट नहीं आएगा। तो एक भी अगर मैंने कुछ मिस किया है, इफ आई हैव नॉट क्लिक्ड ऑन समथिंग, देन इट विल नॉट गिव मी दैट ब्लू बटन। वो ब्लू बटन तभी आएगा जब मैंने सबके मार्क्स और सब असेसमेंट दे दिया है। तो आप यहाँ पे बताएं उन्हें कि कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपना लेसन प्लान, और ओवरऑल बताएं ये रिक्वायर्ड है, आप बताना चाहिए कि हाउ विल दे इम्प्रूव ओवरऑल द लेसन प्लान इज अ गुड अटेम्प्ट। However, you will need to focus more on explaining, explaining the points of how to transact this lesson in the classroom. And to assess the students, है ना? ये हो सकता है कि आपका फीडबैक हो, या ऐसा कुछ और भी हो सकता है। तो आप सबमिट असेसमेंट कर सकते हैं, है ना? यू कैन सबमिट द असेसमेंट एंड इट विल इमीडिएटली गिव एन ओवरराइड असेसमेंट टू दैट पर्सन। तो मैंने अगर ये सबमिट असेसमेंट कर दिया, तो यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे तो लर्नर्स फाइनल ग्रेड चेंज हो गया। पहले 11 out of 20 था, अभी 6 out of 20 है। 6 out of 20 इज ऑटोमेटिकली ग्रेडेड, ये सारे जो हैं। और इसमें आपको ये भी दिखता है कि स्टाफ ग्रेड और पीयर ग्रेड में क्या फर्क था। तो आपको ये दिखता है कि पीयर ग्रेड में क्या था, और आप फिर भी आप अगली बार फिर से ये कर सकते हैं कि आप इनका ग्रेड ओवरराइड करें, ठीक है? तो आप ये उनका ग्रेड ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है? स्टाफ असेसमेंट आपको दिखेगा, सबमिट असेसमेंट ओवरग्राइड, ग्रेड ओवरग्राइड दिखेगा। आप प्लीज ये क्लिक ना करें, रिमूव सबमिशन फ्रॉम पीयर ग्रेडिंग आप ना करें, आप बस अपना ग्रेड बता दें और वो फाइनल ग्रेड रहेगा। जो दूसरी एक असेसमेंट है, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें भी आपको ग्रेड सबमिशंस वगैरह मिलता है। ऑल यू हैव टू गिव इज असेसमेंट आउट हियर, एज इन यू हैव टू गो, व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू कोर्स। आपको कोर्स में जाना है, कोर्स में आप देखेंगे कि आप अभी यहाँ पे जाके प्रैक्टिस बेस्ड असेसमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। यू विल हैव बी एबल टू क्लिक ऑन दैट यूनिट 2 सेशन 5। यू स्क्रोल डाउन and then you come down to peer assessment, and then you click on manage individual learners. You click the, you submit the assessment, the username or the email ID. You click on submit, and once you click on submit, you will be able to see all the assessment responses. What you should do is click on submit असेसमेंट ग्रेड ओवरराइड, जी जो बीच में आपको दिख रहा है, सबमिट असेसमेंट ग्रेड ओवरराइड। यू क्लिक ऑन दिस एंड यू विल बी एबल टू इवैल्यूएट द असेसमेंट। देयर इज अ ग्रीन लिंक, यू विल बी एबल टू क्लिक ऑन दैट। वंस यू क्लिक ऑन इट, यू विल बी एबल टू सी इट इन अनदर स्क्रीन, आइदर इट इज ऑन अनदर स्क्रीन। अगर आप मोबाइल फोन पे करें तो कभी कभी डाउनलोड्स में जाता है, कभी कभी टैब में खुलता है,
you will have to see that. You see the assessment and then you mark them. Pehla assessment ye hai ki overall unka lesson plan kya theek thaak clear instructions, objectives sab unhone diya hua hai. So you can click on that. You can then click on the fact of assess the overall qualities, kya unhone detail diye hai ki kaise ye कोई और टीचर किसी और क्लास में जाके सिखा सकता है. आर देर इनफ डिटेल्स फॉर समवन एल्स टू अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू इम्प्लीमेंट द लेसन प्लान. क्या वो डिटेल्स हैं. यू ऑल्सो विल लुक एट द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड सी इफ देर इज इनफ स्पेस फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ दे हैव लर्नड एंड वॉट दे हैव लर्नड एंड फॉर द टीचर ऑल्सो टू चेक पीरियोडिकली कि क्या ये सही दिशा में जा रही है ना. क्योंकि हमने यूनिट वन एंड यूनिट टू में देखा कि रिफ्लेक्शन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू द लेसन प्लान. क्या वो है या नहीं है. आप फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या उन्होंने असेसमेंट के बारे में सोचा है और कैसे, क्या उन्होंने असेसमेंट कुछ बताया है कि कैसे करना है. यू नो हैव दे गिवन इट और नॉट. हर जगह आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं कि आपको क्या उसमें अच्छा लगा, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट इट एंड व्हाट डिड यू नॉट लाइक अबाउट इट. एंड ओवरऑल यू कैन गिव अ कमेंट सेइंग व्हाट इज द ओवरऑल रिक्वायरमेंट एंड दिस इज अ रिक्वायर्ड प्रोसेस. कमेंट्स बाकी जगह ऑप्शनल है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है. आपको देना ही पड़ेगा कि व्हाट इज द ओवरऑल स्कोप. राइट, आई थिंक दिस इज अ गुड लेसन प्लान. But it needs detailing on how to do this in the class and the time taken for the activities. या जो भी आप बताना चाहें एंड ऑल्सो डिटेल द असेसमेंट. ये ऑब्वियसली हर एक के लिए अलग अलग रहेगा. तो जैसे ही आप सबमिट असेसमेंट क्लिक करते हैं तो ये फाइनल असेसमेंट उनका ग्रेड रिव्यू हो जाता है. सो दिस देन चेंजेस, राइट, इट इमीडिएटली चेंजेस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स दैट दे शुड हैव गॉट. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो और आप ये सबमिट ओवरराइड वगैरह कर पाएं. और बस इतना सही है. हाउ टू डू इट आप अपने मोबाइल फोन पे भी कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम में लैपटॉप वगैरह में भी कर सकते हैं. लैपटॉप में थोड़ा आसानी रहती है क्योंकि आप टाइप वगैरह अच्छे से कर सकते हैं, देख सकते हैं, यू कैन स्विच स्क्रीन इजिली. बट इवन ऑन अ मोबाइल फोन दिस इज ईजी, राइट. सो आई होप यू आर एबल टू डू दिस एंड वी लुक फॉरवर्ड टू योर असेसमेंट्स वेरी सून.